हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ लेकर के आई हूँ बोया माइक। उसका रिव्यू मैं देने वाली हूँ, उसे मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो ये माइक मेरे हाथ में है और मैं इसे करने वाली हूँ अनबॉक्स। साथ ही में मैं इसके अंदर क्या क्या मिले हैं मुझे, फीचर्स क्या क्या हैं और ये कैसा है माइक, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो इसे मैं करती हूँ ओपन। तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ गाइस, देखते हैं कैसा है ये। तो हाथ से मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। और मैं देखती हूँ ये इसमें क्या मिला है। तो ये जो है माइक मुझे मिला है, तो ये इसके अंदर जो है वो मुझे बिल मिला है। इसके बाद ये जो है ये माइक है बोया का, बोया MM1 माइक जो है ये है, यूनिवर्सल है। और यहाँ पे मुझे क्या क्या मिला है ये जो है मैं इसे ओपन करती हूँ। कैसे भी ओपन कर लो कोई बात नहीं, ये आप देखिए। ये मैंने माइक ओपन कर लिया है। ये कुछ बोया के स्टिकर्स मिले हैं मुझे, साथ ही में मुझे ये वायर मिली है, एक ये वायर मिली है। इसके साथ जो है ये मिला है मैनुअल बुक मिला है और ये स्टैंड मिला है मुझे। इसके अंदर ये है तो ये खाने की चीज़ नहीं है आपको पता ही होगा। तो चलिए अब हम माइक को देखते हैं और माइक के साथ क्या क्या मिला है वो देखते हैं। ये माइक मुझे जो है वो मिला है और साथ ही में इसमें ये मिला है जो कि, तो इसके बहुत सारे रिव्यू जो है मैंने देखे थे। मैंने सोचा चलो मैं मंगवा के देखती हूँ और इसका रिव्यू मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मैं बताती हूँ ये कैसा है। तो ये जो है वॉइस, जो एक्स्ट्रा वॉइसेज आती हैं, नॉइस वॉइसेज आती हैं, उसे डिटेक्ट करने के लिए है। हवा है जो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, जब हम बाहर आउटसाइड में कहीं शूट कर रहे होते हैं तो इसमें जो हवा होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे ये काफ़ी हद तक कम करता है, ऐसा इसका दावा है। बाकी मैं अभी यूज़ करके आपको दिखाऊँगी। और ये है हमारा माइक और इसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा पाउच मिला है। ये देखिए ये पाउच है इसका और इस पर बोया लिखा हुआ है। इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी यूजेबल है, अच्छा है। यहाँ से आप इसे ऐसे करके पोटली टाइप का बना सकते हैं। और मैं बात कर दूँ इसके स्टैंड की, अगर मैं बात करूँ तो ये स्टैंड है, इसे आप ऐसे यहाँ पर लगा सकते हैं इस माइक पर। थोड़ा ये टाइट है तो मैं इसे फिक्स कर देती हूँ, तो इसे यहाँ पर इसे आप लगा सकते हैं। अभी मुझे फिक्स नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है हमें दो वायर मिली है, ये दोनों वायर्स जो हैं वो मिली हुई हैं, जो कि ये वायर जो है ये इसके काम है कि अगर आप थोड़ा दूर रख कर के जो अपने कैमरे को या मोबाइल को दूर रख कर के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इसके थ्रू आप इस वायर को कुछ इस हद तक जो है ये आपका इतना बड़ा हो सकता है ये। साथ ही में हमें ये दूसरी वायर मिली है जो ऐसी है। इसे कनेक्ट कैसे करते हैं देखिए, इसका जो ये वाला पार्ट है ये हमारा जाएगा माइक के अंदर, ये माइक के अंदर चला गया। और ये जो है ये हमारे कैमरे और मोबाइल में जाएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में ये वाला नहीं लगेगा तो इसके लिए मैंने दूसरा अलग से जो है वो मंगवाया हुआ है। तो उसके साथ मैं इसे कैमरे में जो है अपने कनेक्ट करूंगी और साथ में इसकी वॉइस कैसी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इससे पहले इसके साथ जो बुक है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सारे यूजेस, इंस्ट्रक्शंस और जो भी कुछ है वो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, बाद में आप पढ़ लीजिएगा जब भी आप मंगवाते हैं। सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है ये जो हमें मिला हुआ है बोया के साथ। तो दोनों लैंग्वेजेस में है, चाइनीज़ और इंग्लिश, तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो है ये मैंने अलग से मंगवाया है क्योंकि ये मेरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने ये मंगवाया है सो दैट मैं अपने मोबाइल में इसे ईजिली कनेक्ट कर, इसे है ऐसे करके कनेक्ट करने वाली हूँ और इसे मैं लगाने वाली हूँ अपने मोबाइल में और आपको वॉइस चेक करवाने वाली हूँ। तो गाइज अभी तक जो मेरी वॉइस थी विदाउट किसी माइक की थी, किसी भी माइक का यूज़ नहीं कर रही थी मैं जब इसे वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन अब मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ अपने मोबाइल में और इस माइक की क्वालिटी जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने अभी इस माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है और इसकी वॉइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं इसकी वॉइस में और पहले वाली वॉइस में। तो अभी जो है ये विदाउट इसके है जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं इसे लगा कर भी आपको दिखा देती हूँ कि इसके बाद क्या डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मैंने इसे जो है वो लगा दिया है और अभी आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। वैसे तो मैं रूम के अंदर जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आउटसाइड रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, तो हवा में कुछ
ऐसे करके आपको बता सकती हूँ कि रिकॉर्ड हो रही है इसके अंदर या नहीं हो रही है, आप खुद से ये चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ये माइक के साथ मेरी वीडियो की वॉइस की क्वालिटी है, और इसे मैं हटा करके आपको विदाउट माइक अपनी वॉइस क्वालिटी दिखाती हूँ। तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। तो ये मैंने इसे रिमूव कर दिया है और विदाउट इसके जो है मेरी वॉइस क्वालिटी ये है। तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट में बताइए। माइक का जो क्वालिटी है वो कैसी लगी, पहले वाली वॉइस ये विदाउट इसकी वॉइस अच्छी है या इसके साथ वॉइस थी वो अच्छी है। तो ये था बोया माइक जो मैंने इसका रिव्यू आपको दिया। बाकी आपको ये माइक कैसा लगा मुझे बताइएगा। मुझे ये माइक जो है ठीक ठीक लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो कुछ खास नहीं लगी गाइज। और बाकी आप यूज़ करके बता सकते हैं, देख सकते हैं। और ये आउटसाइड में के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप आउटसाइड शूट करते हैं और हवा की वजह से, एयर की वजह से सारी जो हवा की आवाज़ होती है वो रिकॉर्ड होती है, तो ये जो है उसे डिटेक्ट कर देता है, ये उसे रिकॉर्ड नहीं करता है, काफ़ी हद तक जो है वो कम कर देता है। तो ये था इसका रिव्यू। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।